अब अगर आपको अपना आधार कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराना हो, तो UIDAI ने 3 बहुत ही बड़े अपडेट अपने आधार कार्ड में किए हैं। वो अपडेट क्या है, सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग नया आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या फिर आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करवाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराना है, तो UIDAI ने 3 बहुत ही बड़े अपडेट इसमें किए हैं। देखिए अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से जब भी आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आप इसका जो ऑफिशियल पेज है UIDAI.gov.in यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं जब भी आप हमारी इस लिंक से ओपन करेंगे तो आप यहीं पे ओपन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है माय आधार। जैसे ही आप इस पर अपना माउस ले जाएंगे, देखिए माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखिए बहुत सारे जो मेनू है वो ओपन हो जाएंगे। आप हटाएंगे तो फिर से हट जाएंगे। फिर से आप यहाँ पे माउस ले जाएंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे डाउनलोड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला ये एलोनमेंट एंड अपडेट फ्रॉम द एडल्ट रेसिडेंट्स ग्रेटर देन 18 ईयर ओल्ड, पहला अपडेट ये है। सेकेंड है एलोनमेंट एंड अपडेट फ्रॉम फॉर चाइल्ड 0 से 5 एज ग्रुप PDF। लास्ट है एलोनमेंट एंड अपडेट फ्रॉम द चाइल्ड 5 to 18 एज ग्रुप PDF। अब देखिए मैं इसका आपको मतलब बता देता हूँ कि ये क्यों किया गया है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको अब जब अपना आधार कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड आपको अपना चेंज करना है तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फॉर्म है ये केवल 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जो भी हैं उनके लिए ही काम करेगा। चाहे आप इसमें अपना अपडेट कीजिए, चाहे आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म अब डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक ही फॉर्म होता था, उसी पे आप सारे काम कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये इस वजह से चेंज किया है क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा करेक्शन होते थे, बार बार गलतियां हो जाती थी। अब इसमें क्या है, ऑपरेटर जो एजेंसी है वो भी इस बात को समझेंगे, ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई ये 18 साल से ऊपर वाले का है तो ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकती है, 5 साल या 10 साल जो भी है। तो पहली बात तो ये कि इसमें अब कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, आप जो भी फिल करेंगे वो एज इट इज वहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब सेकंड और मैं आपको बता देता हूँ। फिर से हम यहाँ पे होम पेज पे चले जाते हैं, फिर से माय आधार, फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है एलोनमेंट अपडेट ऑफ 0 से 5 साल तक के। ठीक है, इसको भी हमने ओपन कर लिया है। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे आप 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। पहले मैंने जैसे बताया कि एक ही फॉर्म होता था, उस पर आपको सारे काम करने होते थे, तो अब क्या है, गलती जो होगी वो बहुत ही कम, ना के बराबर होने वाली है, क्योंकि इन्होंने ये अपडेट कर दिया है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 5 साल तक के बच्चे के जो भी एलोनमेंट है या अपडेट है, जो भी आपको कराना है वो आप यहाँ पे कराएंगे। अब लास्ट वाला अपडेट मैं आपको और बता देता हूँ। फिर से आपको होम पेज पे जाना है, फिर से माय आधार, फिर से यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये 5 से 18 साल तक का, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए आपने अपना जो आधार कार्ड है बनवा लिया है किसी का भी, और वो 5 साल से ऊपर का हो चुका है, आपको अपडेट कराना है, या फिर 5 साल से ज्यादा की उम्र है और 18 साल से कम की है, नया आधार कार्ड बनवाना है, तो आपको ये जो फॉर्म है ये आपका वर्क करेगा। यानी कि UIDAI ने 3 अपडेट किए हैं, तीनों अपडेट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर 0 से 5 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए देखिए ये वाला फॉर्म उन्होंने अलग किया है, 0 से 5 ईयर आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर 5 साल से 18 साल तक का है तो देखिए इन्होंने एक नया फॉर्म ये दिया है, इस पे आप जो भी अपना आधार का काम है वो आप करा सकते हैं। और अगर 18 साल से ऊपर का है, कितनी भी एज है, तो उसके लिए 18 साल से ऊपर का एक अलग से फॉर्म किया है। यानी कि यहाँ पे UIDAI ने 3 फॉर्म यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि आपके जो भी जैसी भी एज है उस हिसाब से आप इनको वर्क में ले सकते हैं। ये जितने भी फॉर्म है ये आपके ऑफलाइन के लिए काम में आने वाले हैं, ऑनलाइन के लिए आपके काम में आने वाले नहीं है। ऑफलाइन मतलब यह है कि आप किसी भी नजदीक में जनसेवा केंद्र, CSC सेंटर या जहां पे भी आपका आधार कार्ड का काम होता है वहां पे ये फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, चाहे आपको अपडेट करना हो, चाहे आपको अपना नया आधार कार्ड बनवाना हो। पहले एक ही फॉर्म होता था, उस पर बहुत सारी गलतियां होती थी, ऑपरेटर समझ नहीं पाता था। इसको देखते हुए UIDAI ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, और आप लोग इस फैसले के बारे में हमें
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि UIDAI ने इसको अच्छा किया है या आपके हिसाब से इसको गलत किया है। जो भी आपके सुझाव हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये UIDAI की तरफ से तीन बड़े अपडेट थे तो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे आपकी जो भी जितनी भी मदद होगी हम आपकी हमेशा मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।